हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बीवी बच्चों को आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ठीक है, आज हम पिता से बात करेंगे। ठीक है, रात के वक्त, ठीक है, हम अपने घुटनों को टेकेंगे और पिता के सामने दीन बनेंगे, नर्म बनाएंगे, अपने आप को सिरमौड़ी बनाएंगे पिता के सामने। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ने कहा है तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी न किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। ठीक है, पिता का धन्यवाद करिए जो पिता ने हम सबों को इस संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है चुनकर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो पिता का धन्यवाद करिए। ठीक है, इस संसार में लाखों लोग होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, मर गए होंगे और अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे। ठीक है, पिता ने हमें संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, तो पिता का धन्यवाद करिए। ठीक है, तो प्रार्थना को लास्ट तक सुनना और अमीन जरूर बोलना। जब अमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सरस्वतीमान पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और पिता अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप महान है, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता यीशु मसीह, हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा करने के योग्य हैं मेरे पिता। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है पिता। आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, मेरे यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सबों को पिता जीवितों के बीच में जीवित रखा है पिता, संभाल के रखा है पिता, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में तले छिपा के रखा है मेरे पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु परमेश्वर प्रभु पिता। कितने मनुष्य होंगे, कितने अन्य जाति लोग होंगे, संसारी लोग होंगे पिता, मर गए होंगे पिता, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे, वो एक ऐसा स्थान है पिता जहाँ का धुआं युगान युग उठता रहता है, वहाँ चले गए होंगे मेरे पिता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता, जो आपने जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है यीशु पापा। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। होने दे यीशु पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो किसी बात को लेकर टूट गए हैं, जो किसी बात को लेकर निराशा में चले गए हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं मेरे पिता, अपने साथियों को लेकर टूट गए, अपने गरीबों को लेकर टूट गए हैं पिता, परिवार की टेंशन लेकर टूट गए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता, पूरे विश्वास के साथ मेरे पिता, वे टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए मेरे पिता, वे टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 प्रजाओं की राजा ही आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आप सृष्टिकर्ता मालिक है पिता, आपको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है मेरे पिता। होने दे यीशु पापा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो बीमारियों में लिप्त है मेरे पिता, चाहे जितनी गंभीर घातक बीमारी क्यों ना मेरे पिता, वो आपसे बड़े कुछ नहीं मेरे पिता, आप उन्हें छू लीजिए पिता, वे चंगे हो जाए पिता, वे आजाद हो जाए, फ्री हो जाए पिता। पिता जो हॉस्पिटल में बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु राजा, आप उन्हें छू लीजिए पिता। जो कैंसर में है, जो गिल्टियों में है, जो रसौलियों में है, जो पत्थरियों में है, जो पीलिया में है, डेंगू में, बुखार में है पिता, चाहे जितनी भी घातक गंभीर बीमारी, खतरनाक बीमारी क्यों ना मेरे पिता, वो आपसे बड़ी कुछ नहीं मेरे पिता, उन्हें छू लीजिए पिता। आपका चंगाई वाला हाथ पिता हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, छू लीजिए पिता, हर एक जन को छू लीजिए, वे ब्लेस हो जाए, वे आजाद हो जाए अपनी बीमारियों से मेरे पापा, उन्हें छू लीजिए यीशु मसीह। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु राजा आपको दिया गया है मेरे पिता, सारा पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे पिता। पिता होने दे मेरे पिता, जो हम सभी से पाप गलती गुना हुए हैं पिता, अब तक लगातार हम तो उसे पाप होते चले आ रहे मेरे पिता, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें पिता, क्योंकि हम मनुष्य जाते हैं प्रभु जी, हम पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं सूरजा, आप माफ़ करें मेरे पिता, क्योंकि पिता आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप ही हम सभी के पापों को गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं सूरजा, आप माफ़ करें मेरे पिता, आप क्षमा करें मेरे राजा, आप हिम किनाई श्वेत उजला कर दीजिए मेरे पिता। आपका वचन कहता है मेरे पिता, यदि हम अपने अपराधों को आपके सामने मान लें और दूसरों के अपराधों को क्षमा करें मेरे पिता, तो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरेंगे सूरजा मेरे पिता। हर एक जन को छू लीजिए मेरे स्वामी,
वे ब्लेस हो जाएं, वे चंगे हो जाएं पिता, वे आजाद हो जाएं, वे आजाद हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। मेरे पिता जो गरीब हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो गरीबी में लिप्त हैं, जो लाचार हैं, जो कमाने वाले नहीं हैं मेरे पिता, उनके हाथ मांगने वाले नहीं मेरे पापा, उनके हाथ देने वाले हो जाए इस मसीह के नाम से मेरे पिता। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे करूँगा। यास मेरे पिता आपका वचन कहता है पिता, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे पिता इनके घरों के परस्य से उंडेल दीजिए मेरे पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए पिता, गरीबी दूर हो जाए पिता। इनके हाथ मांगने वाले नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे स्वामी, इनके हाथ देने वाले हो जाए मेरे पिता, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बन सके मेरे पिता। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो नौकरी की तलाश में गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं मेरे पिता, उन्हें नौकरियां दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो कर्ज में है, जो बोझ में दबे हैं मेरे पिता, उनका कर्ज आप चुकता कीजिए पिता, आप उनका कर्ज निकालिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें अच्छा सा नौकरी बिजनेस धंधा दीजिए मेरे पिता, ताकि ये पिता अपना पेट भर सके मेरे पिता, ये किसी मनुष्य का सहारा न लेने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर भरोसा रखता है मेरे पिता। आपने कहा है मेरे पिता, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, आपकी राजाओं की राजा है आप प्रभु के प्रभु। हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे मालिक आपको दिया गया है यीशु पापा। पिता हम उनके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, चिल्लाते हैं, गुहारते हैं मेरे पिता। उन बहनों के लिए मेरे पिता जिनके बच्चे नहीं होते हैं मेरे पिता, जो समस्याएं उनके दिक्कत में मेरे पेटों में मेरे पिता, शरीरों में मेरे पिता, रसोलियाँ हैं, कुछ भी समस्याएँ हैं यीशु पापा आप जानते हैं मेरे पिता, आप उन्हें बच्चे दीजिए मेरे पिता, बच्चे दीजिए मेरे स्वामी। मेरे पिता उनके विश्वास के द्वारा मेरे पिता उनके जीवन में चमत्कार करें मेरे पिता। आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव के कारण से बहुत कुछ हो सकता है मेरे पिता। पिता हम आदेश देते हैं पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता और लास्ट में अमीन बोलकर रसीव कर रहे हैं मेरे पिता, उन बहनों को बच्चे दीजिए मेरे स्वामी, बच्चे दीजिए मेरे पिता। पिता जो पिता हस्त मैथुन करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन हस्त मैथुन करते हैं मेरे पिता, वे इस गंदीलत से बाहर निकल आए मेरे पिता, वे इस गंदीलत में जूझ रहे मेरे पिता, वे छोड़ना चाहते हैं यीशु पापा, आप उन्हें छू लीजिए पिता। पवित्र आत्मा जी उनका हृदय मन दिमाग चेंज कर दीजिए मेरे पिता, पवित्र आत्मा जी उन्हें छू लीजिए, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, उनका हृदय मन दिमाग चेंज हो जाए, लाइफ स्टाइल बदल जाए, हृदय चेंज हो जाए, जीवन शैली बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता वे अपना जीवन अच्छे से बिताने पाए मेरे पिता, शैतान तो फाड़ने वाला भेड़िया है पिता, शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है पिता, वह इसी खोज में रहता है किसको फाड़ नोच खाए मेरे पिता। पिता हर एक जन को छू लीजिए मेरे स्वामी, हर एक जन को ब्लेस कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, वे आजाद हो जाए, वे फ्री हो जाए समझते आपके नाम से मेरे पिता। होने दे यीशु पापा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो रात में नहीं सो पाते हैं, गंदे सपने, नाइट फील होता है, डर लगता है, भय लगता है पिता, जब ये लेटे तब इन्हें सुख की नींद आने पाए, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे पिता, आपका वचन कहता है मेरे पिता। इस वचन के द्वारा मेरे पिता इन मसीह भवन के जीवन में चमत्कार करें मेरे पिता। पिता ये इनके चारपाई के पास आपके लहू का बाड़ा बांध देते हैं, आपके दूध का बाड़ा बांध देते हैं मेरे पिता। पिता छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन आमीन।